हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता और यह है मेरा यूट्यूब चैनल अंकिता अभय, जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ अबाउट ट्रैवल, फैशन एंड DIYs। सो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जहाँ पे हम आए हैं प्लेस पे, द नेम इज़ ले पैपिलॉन, जो कि है लोनावला में, मुंबई से नज़दीक। और मैं वेस्टर्न लाइन से आई हूँ, सो मुझे यहाँ पे पहुँचने में कम से कम 3 to 4 hours लगे। न्यू बॉम्बे से आपको यहाँ पे 2.5-3 hours तो लग जाएंगे यहाँ पे पहुँचने तक। सो द चेकिंग टाइमिंग्स हियर आर 2 PM एंड द चेकआउट इज 11 AM। सो देर आर 3 types ऑफ रूम अवेलेबल यहाँ पे, जो है डिलक्स रूम, प्रीमियम रूम एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स। सो आप यहाँ पे बुकिंग्स कर सकते हैं थ्रू ऑल द वेबसाइट्स। मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, तो मुझे जो प्रीमियम रूम था वो 5200 विद टैक्सेस पे करना पड़ा था। एंड आप जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है ले पैपिलॉन का, वहाँ से भी आप बुकिंग्स कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस प्लेस के बारे में। सो वी स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम वेस्टर्न लाइन एंड आई विल टेल यू गाइज कि जो मौसम था, जो रास्ता था, वो बहुत औसम था गाइज, बहुत औसम था। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लोनावला जाने का, और वो भी बाइक पे या 2-wheeler पे, तो आपके जो रेनकोट्स हैं वो प्लीज़ कैरी कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच रास्ते में बारिश हमको मिली एंड बीच बीच रास्ते में नहीं थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अभी जून में जाने के लिए, तो आप प्लीज़ ये याद रखिएगा। बट आई टेल यू गाइज, जो रास्ता था, द क्लाउड्स, द क्लाइमेट, द नेचर, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप याद रखिएगा कि आप जा सकते हैं लोनावला थ्रू ट्रेन। आप कार से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, ट्रेन आपको अवेलेबल है। आप अगर प्री बुकिंग करते हैं तो आपको IRCTC पे भी आपको जो टिकट्स है वो मिल जाएगी फॉर लोनावला। एंड देन आप उतर के वहाँ से जो रिसोर्ट है जिस यहाँ पे हम जा रहे हैं वो कुछ मिनट पे ही 10 है। तो हमने थोड़ा हॉल्ट लिया था वो खंडाला घाट पे, थोड़ा खटे लेके सभी वहाँ पे हॉल्ट लेते, तो हमने सोचा ले। फिर वहाँ से हम आगे गए और हमको थोड़ा भूख लगा था, तो हमने सोचा यहाँ पे बीच में ही जो रिसोर्ट है उसके पहले ही रास्ते पे ये आपको होटल दिखेगा, जहाँ पे हमने वड़ा पाव एंड मिसल पाव खाया। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा था, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका नाम था डोसा प्लाजा और वहाँ पे और 2-3 रिसोर्ट भी लग के थे। तो एज़ वी मूव ऑन, हम रास्ते में जैसे आगे जा रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ कि एरन रिसोर्ट आपको गूगल मैप में डालना है, एरन रिसोर्ट, और फिर आपको जो लोकेशन है वो सही से मिलेगा। सो एरन रिसोर्ट से आपको सीधा सीधा अंदर जाना है एंड आपको राइट लेना है, तभी जाके जो रिसोर्ट है ले पैपिलॉन वो आपको दिखेगा। ठीक है गाइस, ये याद रखना, क्योंकि अगर आप गूगल मैप पे ले पैपिलॉन डालेंगे तो आप एक लेन, एक गली आगे की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे आप अटक जाएंगे, जैसे हम अटक गए थे वहाँ पे। सो हमको फाइनली वो मिला एंड हमने कॉल किया उनको, उन्होंने बताया। सो वी जस्ट रीच द प्लेस। सही, पूल है, पूल काफ़ी बड़ा लग रहा था वीडियो में, बट ये बहुत छोटा है। दिस इज द एंट्रेंस। अब वो पार्क करने गए हैं बाइक, तब तक आई वेट है। ओके, पूल एरिया इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ दी रिसेप्शन एरिया। तो आप जैसे अंदर आएंगे वहाँ पे आपको पूल एरिया मिल जाएगा एंड आप वहाँ पे आपकी जो भी कार है या बाइक है आप वो पार्क कर सकते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। और दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड शो करना होगा, दे जस्ट चेक इट। एंड देन ये है आपका जो नीचे का एरिया है, लॉबी एरिया, यहाँ पे आपको वॉशरूम दिया गया है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। दिस इज़ द एरिया वेर यू कैन यू नो डू योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये जो है ले पैपिलॉन का डाइनिंग एरिया है। सो लेट्स चेक इन टू आवर रूम। अंदर जाते ही पहले मैंने लाइट्स एंड ऑल ऑन कर दिए है एंड आपको बता दूँ, स्ट्रेट बिहाइंड दी डोर देर इज़ अ कबर्ड, कबर्ड दिया गया है, लंबा सा बड़ा सा कबर्ड था, उसके अंदर हैंगर्स एंड एवरीथिंग दिए गए हैं, स्पेशियस भी है, जहाँ पे आप आपके बिलोंगिंग्स, जो भी आपका सामान है आप वो रख सकते हैं। क्लिपॉन्स एंड हैंगर्स आपको दिए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, देन देर इज़ लाइक कबर्ड से लग के ही देर वॉज वॉशरूम, बट उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वॉट इज़ ऑल इन द रूम। सो स्टार्टिंग में जो है आपको वहाँ पे आपका की कार्ड डालना है, देन यहाँ पे आपको सैनिटाइज़र दिया था, AC रिमोट, 2 bottles दी गई थी, 2 glass, चाय, कॉफ़ी, मिल्क पाउडर एंड 2 cups, और जो केटल है वो भी आपको दिया गया है। ओके, देर इज़ अ टेबल, गुड टेबल, एस्थेटिक लुक वाला टेबल एंड सोफ़ा काउच दिया गया है वहाँ पे। आपको जो बेड था, बेड वॉज ऑल्सो नाइस एंड कोजी, एंड देर वॉज अ TV, द 2 remotes ऑफ द TV, एंड देर वॉज एन
बालकनी। सो बालकनी मैं आपको बता देती हूँ, बालकनी भी बड़ी थी एंड हमको जो था वो पूल साइड वाला बालकनी नहीं मिला बिकॉज वो साइड वाला जो प्रीमियम रूम था वो बुक था। सो मैं आपको चलिए बेडिंग एरिया बता देती हूँ एंड वॉशरूम। सो अंदर ही जाते आपको ऊपर ही जो है टॉल्स मिलेंगे, जो टॉल्स दिए गए थे वहाँ पे। देन देर वॉज अ बिग बाथटब। ओके सो प्रीमियम रूम्स पे बाथटब अवेलेबल है गाइस, दिस इज़ मी। एंड यहाँ पे वॉश बेसिन था, डस्टबिन है वॉश बेसिन के नीचे एंड देर इज़ अ टॉयलेट सीट राइट देर। उसके बाद आपको जो है उन्होंने एक हेयर ड्रायर भी दिया गया है, सो गाइज यू कैन जस्ट ड्राई योर हेयर। एंड उसमें आपको जो बायोटिक्स के प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं लाइक शैम्पू कंडीशनर एंड देर इज़ ऑल्सो सोप टूथपेस्ट टूथब्रश एंड हेयर कैप एज वेल। सो ये यूनिक चीज़ थी इस प्रीमियम रूम की, वेर यू कैन एन्जॉय योर यू नो व्यू लाइक टीवी देखते आप आपकी जो शॉवर है या फिर हम जो टब है आपका एंजॉय कर सकते हैं। सो आई गेस गाइस बाथ टब एंड बालकनीज के वजह से मे बी जो प्रीमियम रूम है उसके चार्जेस ज़्यादा हो गए थे। सो वी जस्ट सेटल डाउन, हमने सब सामान एंड ऑल रखा एंड देन वी चेंज्ड एंड देन वी वेंट टू पूल। सो हम पूल में डायरेक्टली चले गए थे एंड देन देर वी एंजॉयड लाइक अ क्वालिटी टाइम, थोड़ा रिलैक्स किया, बहुत थक गए थे हम ट्रैवल करके। सो थोड़ा पानी में एंजॉय किया, थोड़ा खुद बॉडी को रिलैक्स किया, थोड़ा स्विम करने के लिए यू नो ट्राई किया एंड देन वंस वी डिड इट वी वेंट बैक टू आवर रूम, वी चेंज्ड एंड हम थोड़ा कुछ खाने के लिए देन नीचे आए। सो आई विल टेल यू गाइज कि हम खाने के लिए कहाँ आए थे एवरीथिंग इन द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो इन द नाइट वी जस्ट वेंट फॉर वी जस्ट हैड अ फूड इन द होटल इट्सेल्फ और बाद में फिर हमने थोड़ा बाहर की तरफ वॉक किया। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे रिसेप्शन एरिया के पीछे अगर इफ़ यू हैव टू व्हीलर्स आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, अगर फोर व्हीलर्स आपको स्टार्ट में पार्क करना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ले पेपिलॉन स्टेकेशन एंड इसको मैं रिव्यू देना चाहूँगी विच वुड बी 7 out of 10। मुझे कोई कोई चीज़ें अच्छी लगी एंड वो जो थी वो थी ये बालकनी जो उन्होंने दी है, देन दे हैव गिवन बाथ टब, उन्होंने हेयर ड्रायर भी दिया है। बट जो फूड था वो फूड क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एंड हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार खाना खाया जो कि डिनर था एंड विच ऑल्सो कॉस्ट 700-800 फॉर टू पीपल। उसमें था सिर्फ दो चपाती, एक पनीर की सब्जी एंड वन सूप। सो गाइज ये हमारा डिनर था, एक्चुअली चपाती नहीं रोटी थी, तो दो रोटी एंड पनीर की सब्जी एंड सूप हमने ली थी, दिस वॉज अ क्वान्टिटी एंड ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खाने के लिए प्लेसेस, क्योंकि हम खाने के लिए बाहर ही जाने वाले थे वैसे भी, तो हमने यहाँ पे बाहर ही एक मुंबई मसाला करके था वहाँ पे कल हमने शाम को खाया, जो हाइटी होता है वो वहाँ पे किया एंड देन हमने आज सुबह जो है यहाँ पे उड़ीपी करके एक साउथ इंडियन डिशेज़ का रेस्टोरेंट है वहाँ पे सब मसाला डोसा एंड ऑल सब बहुत टेस्टी था तो वहाँ पे हमने खाया। सो गाइज आप अगर थोड़ा आगे जाएंगे किसी को भी अगर आप पूछेंगे चंद्रलोक होटल या फिर आदर्श होटल या फिर बम्बईया होटल, आपको उसी लेन में जो ये उड़ीपी फास्ट फूड है वो मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, जो एरन रिसोर्ट है उसके 2 या 3 लेन छोड़ के ही है। तो प्लीज़ गाइज डू विजिट दैट प्लेस, बहुत यम्मी जो है साउथ इंडियन डिश वहाँ पे आपको नाश्ते के लिए सुबह मिल जाएगी। सो नाउ वी आर चेकिंग आउट, इट्स 11 AM नाउ, तो अभी हम जा रहे हैं ठीक है। तो ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक जब भी आप यहाँ पे आएंगे ले पेपिलॉन में मेक श्योर आप जो है आपकी बुकिंग से पहले कर लीजिए, यहाँ पे बुकिंग्स के थोड़े इश्यूज होते हैं एंड अगर आपको अच्छी डील मिल रही है ऑनलाइन तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स एंड अच्छे यू नो ऑफर्स मिलते हैं। देन जो है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मैप में डालना होगा एरॉन रिसोर्ट, क्योंकि ये जो प्लेस है बहुत कंफ्यूजिंग है गूगल मैप पे, तो गूगल मैप पे अगर आप चेक करेंगे तो आप एक लिंक पहले चले जाएंगे क्योंकि गूगल मैप वही डिटेक्ट करता है ठीक है। तो लेकिन आपको वहाँ पे एंटर करना होगा एरन रिसोर्ट, तो एरन रिसोर्ट में जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको अंदर ही लास्ट में ही ले पेपिलॉन करके है ठीक है। तो आई एम श्योर दैट वो ये सब चेंजेस करेंगे आते ही, क्योंकि मुझे लगता है न्यू प्लेस है तो शायद अभी यहाँ पे और भी काम चल रहा है।
तो वेन एवर यू कम मेक श्योर कि आप जो एड्रेस है वो सही से ढूंढ लें और यहाँ पे प्लेसेस भी एक्सप्लोर करें खाने के. एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, यू लाइक दिस वीडियो. लेट मी नो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चलने दीजिए कि क्या आपको लगता है इस व्लॉग के बारे में. एंड इफ़ यू हैव विजिटेड दिस प्लेस या फिर आप विजिट करने वाले तो उसके बाद भी आप शेयर कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल कम विद अ न्यू व्लॉग इन द न्यू वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.